नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मेडिकल नेगलिजेंस का केस है सविता गर्ग वर्सेस डायरेक्टर नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में किया। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं मेडिकल नेगलिजेंस केसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक मेडिकल नेगलिजेंस पर बहुत सारे निर्णय दिए हैं, किंतु हर केस में फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस अलग होते हैं और इशू इन्वॉल्व भी अलग होता है और उसमें लीगल क्वेश्चन भी अलग होता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि हमें पर्टिकुलर फैक्ट्स के लिए पर्टिकुलर लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए केस लॉ प्रोवाइड किया जाए। इस श्रृंखला में हम अलग अलग केसेस को लेंगे, एक केस के सारे फैक्ट्स सरकमस्टांसिस बताकर उसमें क्या सिचुएशंस थी, क्या शिकायत थी और क्या लीगल इशू इन्वॉल्व था और अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। इसमें फैक्ट्स ये थे कि सविता गर्ग के हस्बैंड को हार्ट इंस्टीट्यूट में लाया गया, ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान उनको 8 बोतल ब्लड चढ़ाया गया एक दिन और नेक्स्ट डे फिर 8 बोतल ब्लड की मांग की गई। पेशेंट को जॉन्डिस हो गया और ऐसा समझा गया कि या तो ब्लड को चढ़ाते समय या एक्स्ट्रा ब्लड देने के कारण उनको ये जॉन्डिस हुआ है और धीरे धीरे फिर सेप्टिक हो गया, जिसके कारण एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल से बुलाया गया और उनकी टांग काट दी गई। इसी बीच उनका किडनी फेलियर हो गया और उनको डायलिसिस पे रखा गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। सविता गर्ग ने 45 लाख के कंपनसेशन की मांग की। मैटर जब नेशनल कमीशन में आया तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे नेशनल कमीशन ने उसको डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि कंप्लेंट में ट्रीटिंग डॉक्टर को पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए ये केस मेंटेनेबल नहीं है। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे तथ्यों को और लीगल पॉइंट्स पर डिस्कशन की, जिसमें पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के वेलफेयर का एक्ट है और इसमें छोटी छोटी बातों पर टेक्निकल इश्यूज को उठाकर उनकी कंप्लेंट को डिसमिस करना गलत था। दूसरा, पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो ये जाने कि जिस हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लेके आए हैं वहाँ पर कौन किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है और हॉस्पिटल ने क्या निर्णय किया है और किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। मूलतः तो पेशेंट के घर वालों को ये होता है कि किसी भी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो डॉक्टर्स के वेयर अबाउट्स के बारे में उतनी चिंता नहीं करते हैं, इसलिए ये जान पाना कि किस डॉक्टर ने ट्रीट किया और जब केस डाला जाए तो डॉक्टर की खोज की जाए, उसके अते पते ढूंढे जाए और तब केस डाला जाए, ये एक बहुत ही कठिन सिचुएशन है। दूसरा, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 1 रूल 10 में भी ये कहा गया है कि नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर के कारण केस को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसमें इस रूल को भी फॉलो नहीं किया गया। अंतिम बात जो है वो ये है कि एक हॉस्पिटल को जब पार्टी बनाया गया और केस जब हॉस्पिटल के अगेंस्ट लगाया गया तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सारे तर्क, अपने सारे बचाव सामने रखे, ट्रीटिंग डॉक्टर को सामने लाए, ट्रीटिंग डॉक्टर की गवाही दिलाए और ये सिद्ध करने की कोशिश करे कि उनका दोष नहीं था। हॉस्पिटल मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखा है, उसमें किसी चीज़ की कोई कोताही नहीं है, बेड्स ठीक है, ICU ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक है, ऑक्सीजन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रॉपरली हैं, ये सारी बातें तो एक तरफ हैं पर ट्रीटिंग डॉक्टर कौन था, वो एक्सपर्ट था, उसको एंगेज किया तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी, हॉस्पिटल ही जानता है कि कौन कितना एक्सपर्ट है और उसकी गवाही दिलवाना, ये सब हॉस्पिटल की ड्यूटी थी। इस केस में हॉस्पिटल क्यों आगे नहीं आया और उसने ट्रीटिंग डॉक्टर के वेयर अबाउट्स क्यों नहीं बताए, ये भी एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न नेशनल कमीशन के इस ऑर्डर पर भी था
कि नेशनल कमीशन को सिविल कोर्ट की सारी पावर्स मिली हुई हैं। नेशनल कमीशन के पास यह अधिकार था कि वो हॉस्पिटल को डायरेक्शन देते कि आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को सामने लाइए, उसका अता पता बताइए और केस में उसको एज पार्टी इम्प्लीट कर लेते। केस को डिस्मस करना बिल्कुल उचित नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस मैटर में, पर्टिकुलरली सविता गर्ग के मैटर में ये बात सिद्ध हो गई कि आपने यदि अनजाने में, न जानते हुए या आपकी जानकारी के अभाव में प्रॉपर पर्सन को पार्टी नहीं बनाया है, ट्रीटिंग डॉक्टर को पार्टी नहीं बनाया, तो एक तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो बताए और डॉक्टर की गवाही दिलवाए, और दूसरा नेशनल कमीशन को भी, उपभोक्ता अदालतों को भी ये अधिकार है कि वो हॉस्पिटल को डायरेक्शन दे कि वो डॉक्टर्स के वेयर अबाउट्स बताएं। केवल डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को इम्प्लीड न करने से केस डिसमिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट केस के साथ। मेडिकल नेग्लिजेंस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस केस में क्या कहा, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।